हेलो, तो स्वागत है आप सबका टीम फॉर्मिंग यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप काफी अच्छे हैं, काफी अच्छा विन भी कर रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले जो हमारा मैच रहेगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में। देखो, दोनों ही टीम्स बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स स्पेशली अभी टेबल टॉपर से वो, ठीक है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं इधर से लाइक दूसरी टीम की, गुजरात टाइटंस, तो उनको अपनी पहली हार मिली थी लाइक SRH के अगेंस्ट में। वापस एक कमबैक करना चाहेगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम मैं मान सकता हूँ अभी के लिए, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से दिख रही है। प्लेयर्स उतने खास नहीं, बट स्टिल परफॉर्मेंस वो टीम जो है बहुत बढ़िया दिखा रही है, एंड इसी वजह से काफ़ी आगे है। तो दोनों ही लाइक एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, कौन से प्लेयर्स लेने, कौन से नहीं लेने, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टैट्स है इस मैच के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टैट्स है क्योंकि कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं, तो उन पर ध्यान देंगे। बाकी वीडियो आपको आखिर तक देखना, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो अगर स्किप करोगे तो फिर आप मे बी वो जो बड़े प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं उनकी जो न्यूज़ है, या फिर लाइक कैसे रहेंगे, कौन सी इनिंग में अच्छे होंगे, वो सब चीज़ें आप मिस कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, तभी जो आप इस वीडियो को पूरा फ़ायदा जो पूरा पूरा फ़ायदा जो ले पाओगे। उसके अलावा लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ताकि आप जो कोई भी मैच की वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। एंड साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना ताकि वो भी लाइक उन बड़े प्लेयर्स को पिक ना कर पाए, एंड अपनी जो स्मॉल लीग है वो अच्छे खासे तरीके से विन कर पाए। तो देखो, जब हम बात करते हैं अपने मैच की, तो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में जो मैच होने वाला है, बात करें लाइक 7:30 रहेगी इस मैच की डेडलाइन, 14 अप्रैल थर्सडे को मैच है। वेन्यू रहेगा डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम। देखो, रिसेंटली में इस पिच पर ना बहुत ज़्यादा मैचेस खेले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस ही खेले जा रहे हैं, तो एक एक मिक्स रिजल्ट भी देखने को मिला है कि कभी कभार विकेट्स गिरे हैं, कभी बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरे हैं, तो सारी चीज़ें रही है। इसमें कैसा ग्राउंड देखने को मिलेगा आपको ये? देखो, पिच रिपोर्ट ऐसे कि शुरुआत में यहाँ पर स्विंग होती है, नो डाउट यहाँ पर बहुत बढ़िया स्विंग होती है शुरुआती ओवर्स में, बट जैसे जैसे ओवर्स आते हैं ना तो फिर लाइक रन बनाना थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आसान हो जाता है। तो वो एक चीज़ डेफिनेटली जो है ध्यान रखनी होगी जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उनको, अदरवाइज अगर शुरुआत में विकेट्स गिरा लाइक अगर गवा दिए उन्होंने तो फिर बाद में रन नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ओपनर जो रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि विकेट संभालते हैं, बाद में बहुत बढ़िया तरीके से रन बनेंगे, एंड देन जो है फर्स्ट बैटिंग के भी विन करने के चांसेस है। अदरवाइज लाइक कोई हेजिटेशन लाइक होगी नहीं अगर टीम जो है बैटिंग सेकंड इधर से पिक करती है, क्योंकि चेज़ का लाइक काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है। उसके अलावा बात करूँ तो लाइक रिसेंट मैचेस वो भी चेज़ में काफ़ी अच्छे तरीके से रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने वेन्यू स्टैट्स की। देखो, वेन्यू में क्या टोटल मैचेस हो चुका है 25, जिसमें से 10 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट ने, 15 जीते हैं इधर से बैटिंग सेकंड ने। पिछले जो दो मैचेस हुए हैं उसमें एक तो जीता है बैटिंग फर्स्ट ने, ठीक है, और एक जीता है इधर से बैटिंग सेकंड ने। तो काफ़ी मिक्स रिजल्ट है पिछले दो मैचेस के। बॉलर्स की बात करूँ, पिछले 8 मैचेस में विकेट्स की 24 ले चुके हैं स्पिनर्स, 45 इधर से पिक किए हैं हमारे पेसर्स ने, एंड 15 एंड 19 जो है फर्स्ट और सेकेंड इनिंग के लाइक स्पिनर्स ने विकेट निकाले हैं, 29 एंड 26 देखने को मिले हमारे पेसर्स की तरफ से। और लाइक लास्ट में कुछ अभी ऐसा हुआ था जब गुजरात ने मैच खेला था, तो लाइक वो चीज़ नहीं, लाइक इधर से जो है सनराइजर्स ने उनके अगेंस्ट में काफ़ी इजीली चेज कर लिया था। वहीं पर बात करूँ चेन्नई ने जो मैच खेला उसमें ऐसा रहा कि उन्होंने लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से रन बनाए, बैटिंग थोड़ा इजी हो गया, उनके जो स्पिन बॉलर थे वो थोड़ा दिमाग लगा गए, अच्छे से बॉलिंग की, जो कि गुजरात के जो बॉलर थे वो नहीं कर पाए थे। तो डेफिनेटली गुजरात इस मैच में वो गलती नहीं दोहराना चाहेगी, तो लाइक उनके बॉलर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेंगे आज के लिए, चांसेस बनते हैं उनके विन करने के। बाकी ये तो थे हमारे कुछ वेन्यू स्टैट्स एंड पिछले 8 मैचेस के विकेट्स एंड सारी चीज़ें। तो पेसर्स इंपॉर्ट, दोनों इंपॉर्ट रहने वाले हैं। अब आते हैं जो हमारे राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 क्या रह सकते हैं। देखो, जोश बटलर, देवदत्त पदिकल लास्ट मैच में बढ़िया ओपनिंग की थी, हालांकि जोश बटलर जल्दी आउट हो गए थे, पदिकल ने भी ठीक ठाक से रन बनाए थे, ऐसा नहीं कि जल्दी आउट हो, डिसेंट रन बनाकर गए थे। तो आई थिंक जायसवाल के आने के तो मौके अब है नहीं फिलहाल के लिए, तो जायसवाल नहीं आएंगे, तो जोश बटलर और देवदत्त पदिकल आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। उसके साथ ही साथ में क्या रहेगा, संजू सैमसन इनके कैप्टन विकेट कीपर, उसके बाद में इधर से राशिद वांडरडसन को जो है इंक्लूड किया गया टीम में, हालांकि लास्ट मैच में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे, बहुत कम फैंटेसी पॉइंट हमें प्रोवाइड किए थे, बट एक्सपेक्ट करूंगा इस मैच में कि अगर 4 नंबर की पोजीशन पर दोबारा आते तो अच्छे खासे पॉइंट आपको दे सकते हैं। वहीं पर फिर आएंगे उसके बाद में शिमरन हेटमायर, और देन आएंगे रियान पराग इधर से, उसके बाद में कुलदीप सैन थे लास्ट मैच में विकेट निकाला था, तो बढ़िया एक अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखे थे, कप्तान में बोलो की तारीफ भी काफी की थी इनकी। उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन है, ट्रेंट बोल्ट है, प्रसिद्ध कृष्ण है, युजवेंद्र चहल। सो राजस्थान रॉयल्स बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों काफी बढ़िया जा रही है अभी तक, एंड लाइक काफी सही मेरे को प्लेइंग 11 ये भी लग रही है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट पिक्स की अगर बात करूँ तो बटलर पदिकल ओपन करते हैं, उसके बाद में सैमसन काफ़ी इम्पोर्टेंट बनेंगे, देन इधर से हेटमायर अभी के लिए तो मैं बात करूँ तो हाँ अच्छे हैं, बाकी आगे कंडीशंस की बात करें किसमें चल सकते हैं किसमें नहीं, बट हाँ अभी एज सच पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ठीक प्लेयर है। उसके बाद में इधर से ट्रेंट बोल्ट एंड युजवेंद्र चहल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसके बाद में प्रायोरिटी दे सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को। अश्विन जैसा वो बोला कि भाई
रन रोकने में ना बहुत ज्यादा कामयाब बॉलर है, रन बिल्कुल से रोकता है अश्विन, बट वो विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं डालते, वो विकेट नहीं निकाल पाते, तो वो एक दिक्कत है। एंड अपने को चाहिए पॉइंट्स, तो वो आने वाले विकेट टेकिंग से। हालांकि लास्ट मैच में बैटिंग से अच्छा खासा कर गए थे, बट हर मैच में वो बैटिंग पोटेंशियल देखने को नहीं मिलेगा अश्विन की तरफ से। अब बात करते हैं इधर से गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 की। देखो मैथ्यू वेड और शुभमन गिल, ये दो प्लेयर हैं जो ओपन कर रहे हैं। अब शुभमन गिल तो मैं बोल सकता हूँ कि पिछले कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। मैथ्यू वेड का परफॉर्मेंस कुछ लाइक अप एंड डाउन अभी तक रहा है कि कभी रन बनाए हैं कभी नहीं बनाए, तो रहमानुल्लाह गुरबाज बिल्कुल एक इंतजार में बैठे हुए कि कब उनको बुलाया जाए। बट टीम अभी तक के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि हार्दिक पांड्या जो एक ये विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ में स्टिक कर रहे थे, मैथ्यू वेड के साथ में ही लाइक चलते हुए आ रहे थे। अब देखते हैं गुरबाज आ सकते हैं नहीं। उसके बाद में 3 नंबर पर साई सुदर्शन, एक मैच अच्छा रहा एक मैच थोड़ा सा खराब रहा, तो आई थिंक उतनी जल्दी रिप्लेस नहीं होंगे, अभी स्टिक करेंगे 3 नंबर के पोजीशन पर। उसके बाद में हार्दिक पांड्या खुद आते हैं, और देन उसके बाद में किलर मिलर आते हैं, देन राहुल तेवतिया, उसके बाद अभिनव मनोहर आपको आते हुए दिखेंगे। काफी नीचे है इनका बैटिंग ऑर्डर, ये एक दिक्कत है। हार्दिक पांड्या ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं, तेवतिया को ऊपर भेज देते हैं। सो यार यंग प्लेयर है मनोहर, एंड अच्छी बैटिंग कर सकता है अच्छी हिटिंग कर सकता है, बट नहीं भेज रहे हैं तो देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा राशिद खान है, लोकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी, एंड देन इस मैच में जो है रवि श्रीनिवासन, साई किशोर को जो है मौका मिल सकता है गुजरात टाइटन्स की तरफ से। सो ये रह सकते हैं आज के लिए प्लेइंग 11। अब बात करते हैं देखो टीम वेन्यू स्टैट्स की। तो देखो सीधी बात है टीम वेन्यू में कुछ ज्यादा खास आज के लिए है नहीं, क्योंकि दोनों ही टीम बहुत ज्यादा मैचेस यहाँ पर खेली नहीं है। राजस्थान रॉयल्स ने 3 खेले हैं, 2 जीते एक हारे, ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा है इस ग्राउंड पर। गुजरात ने अभी तक इस ग्राउंड पर एक मैच खेला है जिसमें कि वो हार गए थे, तो उनका तो लाइक डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया नहीं है, तो ये एक चीज़ है। बाकी टीम वेन्यू में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा आपको लाइक पता भी नहीं चलेगा कौन से विन कर सकते कौन से नहीं, तो उसको हटा के थोड़ा सा आगे चलते हैं कि वेन्यू लीडर्स कौन से हमारे। तो देखो वेन्यू लीडर्स में क्या है कि सिर्फ 2 प्लेयर ही है, क्योंकि एक एक मैचेस ही खेले हैं लाइक दोनों ही टीम्स ने, तो ज़्यादा कुछ लाइक वेन्यू अपडेट्स है नहीं, वेन्यू के लीडर्स के अपडेट भी नहीं है। जोश बटलर ने यहाँ पर एक मैच खेला 100 बना दिए थे, हार्दिक पांड्या ने एक खेला 50 बनाए थे, वो भी नोट आउट। उसके अलावा अश्विन जो है 4 इनिंग में 3 विकेट यहाँ पर लेते हुए दिखे। उसके अलावा कोई ऐसा ज़्यादा विकेट टेकर नहीं है, कोई किसी की बहुत बढ़िया बॉलिंग नहीं है, किसी की बहुत बढ़िया बैटिंग नहीं है इस वेन्यू पर, क्योंकि ज़्यादा मैचेस किसी भी प्लेयर ने खेले ही नहीं है। तो देखो वेन्यू से भी कुछ पता नहीं चला ना, हेड हेड टू हेड इन दोनों टीम्स के बीच में है नहीं, वेन्यू स्टैट्स से लाइक टीम का पता चलता है प्लेयर्स का नहीं। अब आते हैं कि कौन से प्लेयर लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि अब आगे की जो 2-3 स्लाइड्स है ना, जो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती है अभी। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गिव अवे का क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं, क्योंकि वीडियो यहाँ तक देख रहे हो काफ़ी कुछ एक लाइक स्टैट्स के साथ में ना फायदा ये भी मिलने वाला है। सो गिव अवे का क्वेश्चन ये है कि हु हैज़ मेड द हाईएस्ट स्कोर इन द आईपीएल। सो आईपीएल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर जो है वो किस प्लेयर का है, उस प्लेयर का नाम आपको लिखना है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। सो फटाफट से जाके लिख दो, एंड नाम पूरा लिखना, स्पेलिंग सही लिखना, कमेंट आपका जो है एडिट नहीं होना चाहिए, मल्टीपल कमेंट्स आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है, बाकी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को आखिर तक देखना, कोई भी 1 सेकंड मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ कंडीशंस रहेंगी गिव अवे को विन करने के लिए, बाकी विनर्स का अनाउंस होंगे वो भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बात करते हैं इनिंग वाइज एनालिसिस के। देखो बैटिंग के हिसाब से जब देखते हैं तो सिमरन हेटमायर जो वो फर्स्ट बैटिंग करते वक्त एवरेज जो है उनका 23 का है, 63 इनिंग्स में 1200-1300 के करीबन रन बनाए, 23 का एवरेज है। बट सेकंड बैटिंग करते हुए कुछ अलग रन बनाते हैं, 52 इनिंग्स में 1200 रन से 32 का एवरेज है। सो एवरेज ना सेकंड इनिंग में बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाता है इधर से सिमरन हेटमायर का। पदिगल की बात करते हैं उनके साथ भी बिल्कुल मैं बोलूँगा कि यही सीन है, फर्स्ट बैटिंग करते हुए 35 मैचेस में 1029 रन है, वो भी सिर्फ 30 के एवरेज के साथ में, ठीक है। बट जब चेज करते हैं तो चेज के टाइम आप एवरेज देखो उनका हो जाता है 46.89 का। सो चेज करते वक्त देवदत्त पदिगल बहुत बढ़िया ऑप्शन बनेंगे, और जब चेज करें तो आप इनको एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन डेफिनेटली, आपकी जो मिनी ग्रैंड लीग रहती है, आप डिफरेंशियल प्लेयर पिक करते हो एंड ग्रैंड लीग वगैरह की टीम में, तो ट्राई आप कर सकते हो। उसके बाद में मैथ्यू वेड है, तो इनका ऐसा है कि भाई ये फर्स्ट इनिंग में बहुत बढ़िया रन बनाते हैं, फर्स्ट इनिंग में जब खेलते हैं तो 36 के करीबन इनका एवरेज रहता है। सेकंड बैटिंग करते वक्त जो एवरेज है वो बिल्कुल एक घट कर 17 का हो जाता है। तो सेकंड इनिंग में तो मैं बोलूँगा कि चेज करते वक्त तो इतने यूजफुल नहीं है मैथ्यू वेड, बट जब विदाउट प्रेशर खेलेंगे फर्स्ट इनिंग में खेलेंगे तो हाँ आप इनके ऊपर थोड़ा सा लाइक एक दाव खेल सकते हो, आप इनको पिक करके चल सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँ शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल तो लाइक जाने इसलिए जाते हैं कि चेज में बहुत बढ़िया उनका रिकॉर्ड है, 42 का एवरेज रहता है उनका चेज के टाइम पर, फर्स्ट इनिंग में रहता है 26 का। बट ये प्लेयर ऐसा है कि इनको हम कहीं नहीं छोड़ सकते, टीम में आई थिंक रखना चाहिए। बट ये किस काम आ सकता है, ये जो स्टैट्स और एवरेज मैंने बताया ये आपके काम आ सकता है मिनी ग्रैंड लीग की टीम में या फिर लाइक ग्रैंड लीग की टीम में। एंड बाकी अगर आप रिस्क लेते हो इनको कब कैप्टन में ना बनाऊँ एंड कब इनको मैं बना सकता हूँ कैप्टन, तो उस चीज़ के ऊपर। बाकी जब हम बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग में 5 है मेरे पास, लाइक उधर 4 बैट्समैन थे वो, और एक एक प्लेयर के मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मोस्टली जो प्लेयर्स है ना
देखो सेम सेम है, अगर किसी का 30 का एवरेज फर्स्ट में, 30 का ही सेकंड में, तो कोई मतलब बनता नहीं है लिखने का, ठीक है, उस प्लेयर का आपको पता है, और फिर एवरेज लिखने का मतलब बनेगा नहीं। बाकी उसके अलावा इनिंग वाइज बॉलिंग एनालिसिस की पूरी बात करें, तो युजवेंद्र चहल जो है वो फर्स्ट बॉलिंग जब करते हैं तो 102 इनिंग में 110 विकेट है, इकोनॉमी जो है वो 7.65 का रहता है। वहीं पर जब सेकंड बॉलिंग करते हैं तो 124 इन्होंने लाइक इनिंग्स है, 147 विकेट्स है, 7.45 का इकोनॉमी, तो सेकंड बॉलिंग करते वक्त काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा नहीं दोनों में परफॉर्म करते हैं, बट हल्का सा एक बैटर हो जाता है, ठीक है, जब चेज करते वक्त लाइक डिफेंड करते हैं, सॉरी जब डिफेंड करते हैं स्कोर को। उसके बाद में प्रसिद्ध कृष्णा की बात करूँ तो फर्स्ट बॉलिंग करते वक्त देखो 22 मैचेस में 32 विकेट्स है, 9.14 का, बहुत महंगे रहते हैं, बट जब डिफेंड करते हैं स्कोर को तो 33 इनिंग्स में 26 विकेट्स है, 8.30 का इकोनॉमी, विकेट्स कम मिलती हैं बट इकोनॉमी थोड़ा सा घट जाता है। तो फर्स्ट बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी से ज़्यादा लेना देना है नहीं अपना, ठीक है, तो विकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी मोहम्मद शमी की बात करूँ फर्स्ट और सेकंड बॉलिंग, वैसे तो ये दोनों में इंपॉर्टेंट है, दोनों में लेना आपको जरूरी है, क्योंकि नई बॉल से काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हालांकि लास्ट मैच में उतना लाइक मिला नहीं इनको, क्योंकि थोड़ी सी ना मैं बोलूँगा कि गलत लाइन एंड लेंथ डाल रहे थे, पूरा एकदम लाइक CSK वाली बॉलिंग नहीं कर रहे थे, CSK ने जैसे पिछले मैच में बॉलिंग की थी वैसी नहीं करके दिखा रहे थे। तो आई थिंक शमी इस बार डेफिनेटली एक बढ़िया परफॉर्मेंस आपको दिखा सकते हैं, तो शमी दोनों इनिंग में बढ़िया बनेंगे, बट जब आप कैप्टन वाइस कैप्टन उनको ट्राई करते हो तो डिफेंड जब करेंगे ना स्कोर को, मतलब सेकंड बॉलिंग जब करेंगे तो उसमें थोड़े बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। देन उसके बाद में दर्शन नालकंडे अगर खेलते हैं तो 15 मैच में 31 विकेट है फर्स्ट बॉलिंग में, सेकंड बॉलिंग में 8 मैच में 14 विकेट्स, 8.07 का इकोनॉमी, 5.96 का इकोनॉमी रहता है सेकंड बॉलिंग करते वक्त। राशिद खान ये प्लेयर भी सेम लाइक मोहम्मद शमी चहल टीम में रखना ही रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक है, बट जब डिफेंड करते हैं स्कोर को तो यही जो मैं बोलूँगा कि इकोनॉमी है वो कम हो जाता है, रन्स काफ़ी कम देते हैं, उसके अलावा लाइक विकेट्स वगैरह 162 इनिंग्स में 256 विकेट्स है। सो ये रहेंगे कुछ हमारे बॉलिंग एनालिसिस, एंड ये बॉलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड इनिंग जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद में बात करें इधर से प्लेयर बैटल्स की, देखो प्लेयर बैटल्स में क्या है, जोश बटलर अगेंस्ट राशिद खान 4 बार आउट हो चुके हैं, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इनबाउंड बनेगी, स्टिल कल के लिए भी मैच के लिए तो ध्यान जरूर रखना लाइक जोश बटलर को। आप मे बी आज के लिए ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ इनको टीम में रख लो, आप इनको एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई ना करो, ठीक है, तो इस वजह से बोल रहा हूँ। तो जोश बटलर आई थिंक राशिद खान के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, देखो 28 बॉल में अगर 18 रन बनाए हैं और 4 बार विकेट आपके ले चुके हैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहते हैं देखो राशिद खान। उसके अलावा मोहम्मद शमी के अगेंस्ट में भी 1 बार विकेट गई है। उसके बाद में शिमरन हेटमायर की बात करूँ, ये भी अच्छे रन बना रहे हैं, डेफिनेटली एक सेफ प्लेयर बनते हैं, काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ भी जाना चाहेंगे इनके तरफ, तो ये भी राशिद खान के अगेंस्ट में 38 बॉल में 4 बार आउट हो चुके हैं, मोहम्मद शमी के अगेंस्ट में 18 बॉल में 2 बार आउट हो चुके हैं, इनके लिए तो मैं बोला दोनों ही खतरे लाइक काफ़ी बनने वाले हैं, जोश बटलर थोड़े राशिद खान के अगेंस्ट में, एंड शुरुआती में मोहम्मद शमी के अगेंस्ट में भी संभल कर जो है खेलना इनको पड़ेगा। मैथ्यू वेट की बात करूँ अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट 3 बार आउट हो चुके हैं, वो भी सिर्फ 23 बॉल्स में, ओबेड मैकोय 3 बॉल में 2 रन देकर 1 बार इनके विकेट ले चुके हैं, देवदत्त पदिकल अगेंस्ट लोकी फर्ग्यूसन, इनका ऐसा है कि इनको लाइक शुरुआत में ना राइट आर्म मीडियम फास्ट जब वो भी स्विंग होती है थोड़ी सी या फिर बहुत एक बढ़िया तीखी बाउंसर आते हैं तो वो इनको पसंद नहीं है, तो जिस वजह से लोकी फर्ग्यूसन के अगेंस्ट में 2 बार आउट हो चुके हैं तो इनको भी थोड़ा संभल कर तो खेलना पड़ेगा फर्ग्यूसन से। उसके बाद में हार्दिक पांड्या अगेंस्ट बोल्ट 2 बार आउट है, प्रसिद्ध कृष्णा 1 बार। अब इधर का सबसे बड़ा देखो ट्विस्ट कहा था, इधर का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था ना वो था जोश बटलर का एंड शिमरन हेटमायर का, ये दोनों बहुत ही कंसिस्टेंटली पॉइंट दे रहे हैं राजस्थान के लिए, बट आई थिंक कल के लिए राशिद खान जब आएंगे तो दिक्कतों में होंगे, तो आप क्या कर सकते हो इनको सिर्फ टीम में रख लेना बट एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन यूज मत करना, या तो या फिर ऐसा कर सकते हो कि आप जोश बटलर को लाइक बिल्कुल सेफ जाकर कैप्टन बना रहे थे तो वाइस कैप्टन बनाकर अपना जो रिस्क है वो थोड़ा सा आप कम कर सकते हो। बाकी देखो टीम की जब मैं बात करूँ तो जोश बटलर और मैथ्यू वेड को मैंने लिया अपनी टीम में, उसके बाद में राशि वंडरडसन और पद्दिकल के साथ में कहूँ सैमसन को मैंने हटाया इधर से, अगर आप लेना चाहो तो आपको थोड़ी सी क्रेडिट ना सैमसन के लिए मैनेज फिर करने पड़ेंगे, किसी इंपॉर्टेंट बॉलर को हटाना पड़ेगा तो इसलिए नहीं रखा है मैंने। उसके बाद में बात करूँ डसन है, गिल है, पदिकल और सुदर्शन को मैंने रखा है, उसके बाद में हार्दिक पांड्या रहेंगे, तेवतिया वगैरह को मिस किया है, ऐसा सच उतना ज़्यादा यूज़ नहीं बनता है अनटिल अनलेस लाइक वो बहुत बढ़िया एक बैटिंग करते हैं जैसे पहले कुछ मैचेस में की है, एक तो मैचेस में ठीक है उसमें, तो उस प्रेफरेंस से तो मैं डेफिनेटली टीम में नहीं लेने वाला हूँ। चहल है, फिर उसके बाद में है प्रसिद्ध कृष्णा को रखा है, बोल्ट के लिए भी मैं बोलूँगा क्रेडिट मैनेज इस टीम में नहीं हो पा रहे थे, स्टिल देखो मैंने 8 क्रेडिट के सुदर्शन को लिया फिर भी लाइक क्रेडिट मैनेज नहीं हो पाए तो फिर मेरे को बोल्ट को भी हटाना पड़ा। चहल को रखा है, शमी को रखा है, एंड देन राशिद खान इधर से रहेंगे, तो ये रहेगी अभी के लिए टीम। कैप्टन शुभमन गिल को किया है, आई थिंक चेज में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। उसके बाद में राशिद खान को मैंने एज अ वाइस कैप्टन यूज़ किया है क्योंकि बटलर हेटमायर हो गए हैं, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें देते हैं, ठीक है, तो ये एक दिक्कत रहने वाली है। एंड बाकी उसके अलावा अगर आप सैमसन को लेना चाहो तो फिर
किसी बड़े प्लेयर के ऊपर, लाइक आपको पद्दीकल वगैरह के ऊपर रिस्क लेना पड़ेगा सैमसंग को लेने के लिए, एंड उतना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी मैंने इस टीम में देख सकते हो कि बटलर को कुछ नहीं बनाया, तो यही एक आज के लिए ना एक एक्स फैक्टर चीज जो है, एक एक्स फैक्टर स्टैट जो है वो आपके लिए हो सकता है। बाकी देखो अब जो मेरी ग्रैंड लीग की टीम आप देख रहे हो, कुछ ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में आपको दिखा देता हूँ दो तीन। सो उसमें देखो बटलर को मैंने वाइस कैप्टन किया कि अगर चल गए तो ये ग्रैंड लीग की टीम बहुत बढ़िया हो सकती है। सो वाइस कैप्टन है बटलर, उसके अलावा मिलर को लिया है, सुदर्शन है, शुभमन गिल है, वेड वगैरह को मैंने हटा दिया, उसके बाद में डसन है एंड पद्दीकल रहेंगे, उसके बाद में हार्दिक पांड्या एंड देन चहल है, बोल्ट है, प्रसिद्ध कृष्णन, राशिद खान। सो पूरा एकदम टीम का मैं बात करूँ ना तो एक फेवर में रहेगा ये पूरा, एक राजस्थान की फेवर में, ठीक है। कैप्टन शुभमन गिल को कह के अकेले लाइक वहां से रन बना सकते हैं, उसके बाद में वाइस कैप्टन कर दिया बटलर को, आप चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन जो इस टीम में इंटरचेंज भी कर सकते हो। उसके बाद में बात करूँ तो देखो वेड है इस टीम में, मैंने बटलर को हटा दिया और रख लिया मैंने किसको, सैमसन को, ठीक है। बाकी डसन है, गिल है, पद्दीकल को रखा है, उसके बाद में रियान पराग और हार्दिक पांड्या रहेंगे मेरी टीम में। आठ क्रेडिट में मैंने इधर से रियान पराग को लिया, आप चाहो तो साई सुदर्शन के साथ में जा सकते हो। बाकी उसके अलावा चहल है, शमी है, बोल्ट है, राशिद खान है, सभी मेन बॉलर्स, बट रिस्क जो हो गया ना इस टीम में फिर वो बटलर के ऊपर हो, जो काफी भारी भी पड़ सकता है, बट एक ग्रैंड लीग की टीम है तो इस वजह से ऐसा कॉम्बिनेशन है। कैप्टन मैंने कहा सैमसन को कि अगर बटलर नहीं चले तो सैमसन उनकेस बहुत बढ़िया एक रन बना सकते हैं, तो कैप्टन है सैमसन। वाइस कैप्टन मैंने इधर से कहा शुभमन गिल को, अगर आप चाहो वाइस कैप्टन गिल तो हार्दिक पांड्या के साथ में जा सकते हो, बॉलिंग भी करेंगे एंड बैटिंग से भी आपको अच्छे खासे पॉइंट जो है ये दे सकते। उसके बाद में देखो जो मेरी थर्ड टीम है, जो तीसरी टीम है, ये भी एक तरीके से राजस्थान की फेवर में है। कैप्टन गया बटलर को, हेटमायर को लिया, पदीकुल के लिए वापस सैमसन मिस है, उसका अपने वेड है, गिल है मेरी टीम में, देन हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या आई थिंक काफी कॉन्स्टेंट आप एक ऑलराउंडर जो है अपने ऑलराउंडर सेक्शन में ट्राई कर सकते हो। बाकी उसके अलावा चहल, बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप सैन को इधर से रख लिया, उसके बाद में राशिद खान है मेरी टीम में, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस है मेरे पास में। अब अगर श्रीनिवासन अराई सॉरी साई किशोर अगर खेलते हैं तो आप क्या कर सकते हो, कुलदीप सैन की जगह पर उनके साथ में जा सकते हो। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ, कैप्टन बटलर, वाइस कैप्टन मैंने किया इधर से युजवेंद्र चहल को, अगर वापस से दो तीन विकेट निकाल सकते हैं तो इसी वजह से वाइस कैप्टन है। चाहो तो आप इधर से बोल्ट को ट्राई कर सकते हो या राशिद खान को भी एज अ वाइस कैप्टन जो है ट्राई करके चल सकते हो। सो ये रहेगी मेरी टीम एंड ये लाइक कुछ ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन था। इसमें जिनको मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाया वो आप बना सकते हो, जो आपकी बाकी टीम्स रहेंगी, जैसे कि बोल्ट हो गए हैं, ठीक है, राशिद खान एज अ कैप्टन ट्राई आप कर सकते हो, उसके अलावा लाइक हार्दिक पांड्या को आप ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छे ऑप्शन है। बाकी पद्दीकल को आप ट्राई कर सकते हो, सैमसन को मैंने आपको करके दिखाया है, बाकी एक दो कॉम्बिनेशन में और रख लेना उनको कैप्टन। तो ये कुछ ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन एंड आपके लिए कैप्टन ऑप्शन रहेंगे। बाकी देखो ये रहेगी सारी टीम्स एंड सारे सजेशन एंड सारी चीजें। बाकी आई होप लाइक जो चीज मैंने थंबनेल पर लिखी थी ना वो डेफिनेटली आपको वीडियो में मिली होगी। लाइक बैट्समैन में इधर से थोड़े बहुत लाइक रन वगैरह की बात करूँ तो बना सकते हैं शुभमन गिल वगैरह, फील्ड जो हो सकते हैं वो बटलर हो सकते हैं, चार विकेट अगर निकाल सकते हैं तो राशिद खान निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो मैंने थंबनेल पर चीजें लिखी वो आपको आंसर डेफिनेटली मिले होंगे, एंड जो क्वेश्चन आप सोच कर आए थे कि भाई इस प्लेयर के बारे में कंफ्यूजन है, वीडियो देखकर वो भी आपको डेफिनेटली क्लियर हुई होगी। तो रही वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, ताकि आप जो कोई भी मैच की वीडियो ना बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। एंड जो भी अभी का आंसर आपने दिया है अभी वीडियो में जो मैंने पूछा था, उसके जो विनर्स हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर अनाउंस कर दूंगा, तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना @teams4win। आप जब सर्च करोगे तो आपको 11,000 से ज़्यादा, 11K से ज़्यादा जो है फॉलोअर्स के साथ में पेज मिलेगा, काफ़ी सारे क्रिकेटिंग पोस्ट भी है जिससे आपके लिए क्रिकेट नॉलेज बढ़ती रहे, आप अप टू डेट रहो, तो वो सारी चीज़ें हैं इंस्टा पर। बाकी फाइनल अपडेट जो रहेगी ना टीम की या कोई भी न्यूज़ आती है या फिर बाकी जो टीम्स वगैरह रहती है वो सब आपको देखने को मिलेगा इधर से टेलीग्राम चैनल पर, तो जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो फटाफट जाना ज्वाइन कर लेना। बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में जब भी हम करेंगे इस मैच से, लाइक नॉर्मली 1 घंटा पहले करते हो डेफिनेटली, उसमें भी आना, काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्द।